आज मुझे वीडियो बनाने के लिए ईयरफोन के स्पीकर का यूज करना पड़ रहा है, क्या करूं, माइक नहीं है। अगर ऑडियो क्वालिटी अच्छी ना जाए ना आपके पास तो मजा ही नहीं आएगा आपको वीडियो देखने में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रोज वाटर कैसे बनाया जाते हैं कामा आयुर्वेदा जैसा। जी हाँ, कामा आयुर्वेदा जैसा रोज वाटर आपको इस वीडियो में बनाना बताऊंगी। कामा आयुर्वेदा जैसी आपको फ्रेग्रेंस आएगी नेचुरल रोजेस की, और आपको वैसे ही रोज वाटर बनाना सिखाऊंगी जो आप कितने भी दिन यूज कर सकते हो, जिसे आप 2-3 महीने आराम से यूज कर सकते हो, बिल्कुल खराब नहीं होगा, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, और ये बिल्कुल ऐसा ही काम करता है जैसा कि आपका ये बाहर के कामा आयुर्वेदा वगैरह रोज वाटर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। पता नहीं इतने महंगे महंगे बताओ, 1,100-1,100 रुपये का रोज वाटर आता है कामा आयुर्वेदा का, बहुत महंगा पड़ता है यार। तो इसलिए सोचा कि क्यों ना आपको भी ये रोज वाटर बनाना बताऊं, क्योंकि मैं भी यही वाला यूज करती हूँ हमेशा। और अगर मार्केट के कोई ऑप्शंस अगर जानना चाहते हो तो उसके लिए मैं बता दूं, आप खादी का आप यूज कर सकते हो, खादी का रोज वाटर अच्छा है, मैंने भी बहुत बार यूज किया हुआ है, खादी का बहुत अच्छा लगता है मुझे रोज वाटर। और जो खराब है वो है आपका क्या नाम है, डाबर का बहुत बकवास है, डाबर का हनी भी बेकार है, डाबर का रोज वाटर भी बेकार है, डाबर ही बेकार है, मतलब छोड़ दो आप वो, इनका तो कभी मत लेना। आप पतंजलि का रोज वाटर ले सकते हो, ठीक है। बाकी खादी मैं सबसे ज्यादा यूज करती थी। और एक और ब्रांड आता है अमेजोन पे गणपति नाम से, गणपति ब्रांड, आप अमेजोन पे सर्च करना गणपति ब्रांड का रोज वाटर, वो भी बहुत अच्छा, उसकी भी मैंने अब तक काफी बॉटल्स उसकी यूज की है। अगर आप बाहर का नहीं परचेज करना चाहते तो मैं ये नहीं कह रही कि बाहर का आप खरीदो ही मत, अच्छे ही नहीं होते, आप खरीदो, खरीद सकते हो तो खरीद लो। लेकिन अगर आप, ये वीडियो उनके लिए है जो लोग नहीं खरीदना चाहते, जो लोग चाहते हैं कि घर में ही हम बना लें, तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है। रोज वाटर के बेनिफिट्स तो पता ही होंगे आपको, जितने बताऊं उतने कम हैं, हर चीज़ के लिए अच्छा है, स्किन के लिए, आँखों के लिए, और अगर कोई कोई लोग तो खाने पीने में भी डालते हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हो। फेस पे डेली रोज वाटर लगाने से आपकी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रहता है, स्किन हाइड्रेटेड रहती है, आपकी स्किन के पोर्स जो है वो टाइट रहते हैं, आपकी स्किन सॉफ्ट होती है, आपकी स्किन पे एक ग्लो रहता है। इसलिए हो सके तो रोज अपने फेस पे रोज वाटर अप्लाई करो, हमेशा रोज वाटर बना के घर में रखो, जो बहुत ही कम प्राइस में घर में तैयार हो जाता है। लेकिन जो होम मेड है वो मैं खुद के लिए अपना घर में यूज करती हूँ, लेकिन सैलॉन वगैरह में जो है मैं जैसे गणपति का ले लिया, खादी का ले लिया, तो इनके यूज करती हूँ। इनके तो मैंने खुद पे के ऊपर ट्राई किए हुए हैं तो मुझे अच्छे लगे थे, इसलिए फिर मैंने सैलॉन में यूज करना शुरू कर दिए थे। और देखिए, जरूरी नहीं होता कि कोई ब्रांड बहुत ज्यादा महंगी है तो वो उसके प्रोडक्ट अच्छे ही होंगे, ये जरूरी नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिखा ऐसा। इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी के नाम पे बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर महंगा ब्रांड है तो अच्छा ही हो और सस्ता ब्रांड है तो वो खराब हो। सस्ते ब्रांड में भी बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं मार्केट में, आजकल तो कंपटीशन इतना है, सस्ते में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। तो चलो फिर मेरी किचन में मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, देसी गुलाब की माला ली है, उसकी पत्तियों को तोड़ लिया है और इस तरह कुकर में बीच में कटोरी रखकर चारों तरफ उन पत्तियों को बिखरा दिया है, ठीक है। अब इसके बीच में हम एक बाउल रखेंगे, ऐसा बाउल जो ताकि सारा जो इसमें जो रोज़ वाटर बनेगा वो इस बाउल में आके गिर जाएगा, ठीक है। तो और इसमें इस तरह से जो ट्रांसपेरेंट जो लिड आती है ना, वो इससे ढक्कन से आपको ढक देनी है, ठीक है। आप इससे कोई और प्लेट भी ले सकते हो, और लेकिन वो उल्टा करके रखना है आपको। अब इसमें जो मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी वो करूँगी सिर्फ आधा जग पानी डालूँगी इसमें, और जो बीच में पानी गिर गया उसको इग्नोर कर देना भाई, वो गलती से गिर गया मुझसे, ठीक है। अब इस तरह से आप इसमें पानी डाल दीजिए और इसको हाई फ्लेम पे आपको गरम करना है। जब पानी गरम हो जाएगा फिर आपको जो फ्लेम है वो बिल्कुल सिम कर देनी है, बिल्कुल उसको सिम कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, तो ठीक है। इस तरह से मैंने इसमें आधा जग पानी डाल दिया है और इसमें से आधा बचा लिया है। अब इसको मैंने हाई फ्लेम कर दिया है, पानी गरम होने तक मैं इसको हाई ही रहने दूंगी और उसके बाद मैं इसको सिम कर दूंगी। अभी ये हिल डुल रहा है पानी डालने से, तो मैं इसमें वज़न के लिए 2 कटोरी रख दी है मैंने, ताकि ये टिका रहे, बीच में हिले डुले ना पानी जब बॉईल होगा तो। और तब तक पकाना है इसको जब तक आपकी पत्तियों का कलर जो है वो वाइट ना हो जाए, तब तक आपको इसको ढक के रखे देना है। और ढक्कन इसका तब तक मत हटाइए फ्लेम बंद करने के बाद भी, जब तक ये पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए, ठीक है। अभी इस होल में आपको आटा चिपका देना है, इससे बिल्कुल एयर बाहर नहीं निकलेगी। और अब मैंने इसमें जो आइस क्यूब्स हैं वो डाल दी हैं ऊपर, ताकि ऊपर से ठंडक मिले और नीचे से उसको फ्लेम की हीट मिलेगी, तो और ज़्यादा वेपर्स जो हैं और ज़्यादा बनेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में रोज़ वाटर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये था इसका सिंपल सा प्रोसेस,
ठीक है। अब क्या करना है, आप देखिए रोज़ वाटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। कम से कम 60-70 ml जो है वो रोज़ वाटर बन गया है। ये बहुत प्योर है, इसमें बिल्कुल वो वाली जो नेचुरल रोज़ेस वाली जो फ्रेग्रेंस है वही फ्रेग्रेंस इसमें आ रही है। आप चाहें तो इसमें एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। अब इसको आपको एक स्प्रे बॉटल में भर लेना है, ठंडा होने के बाद आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं इसको। और ये जो पानी बचा हुआ है ना कुकर में, इस पानी को हमने फेंकना नहीं है। कुकर वाले पानी को अच्छे से छान लीजिए, उसमें से रोज़ की जो पत्तियां हैं वो निकाल दीजिए और इस पानी को एक स्प्रे बॉटल में भर के रख लीजिए। एज अ रूम फ्रेशनर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रखिएगा। लेकिन तो इस तरह की कोई भी स्प्रे बॉटल आपके पास हो तो स्प्रे बॉटल में आप डाल सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आप 1-1.5 महीने रख सकते हैं। और अब देखिए फेस को वॉश करने के बाद इस तरह से आपको स्प्रे करना है और इसकी फ्रेग्रेंस, ओह माय गॉड, फ्रेग्रेंस तो सच में क्या बोलूँ मैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।